दोस्तों, वैसे तो भारत रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसकी लंबाई 68,103 किलोमीटर की है और इसमें से 1 अप्रैल 2022 के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 52,247 किलोमीटर के रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। परंतु दोस्तों, अब देश में ट्रैक के अपग्रेडेशन के साथ साथ ट्रेनों का भी अपग्रेड काफी तेजी से किया जा रहा है, जिसमें नॉर्मल ट्रेनों को देश में ही निर्मित वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाली वंदे भारत ट्रेनों से अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में RRTS का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। और दोस्तों, आज का वीडियो देश के पहले दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर ही होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन अपडेट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RRTS के दूसरे कॉरिडोर यानी दिल्ली गुरुग्राम SNV के लिए भी जल्द ही केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने वाली है, जिसके बाद इसकी DPR रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों, अगर आप RRTS के सेकंड कॉरिडोर पर भी सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में इस कॉरिडोर का नाम लिखें। दोस्तों, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर 82.15 किलोमीटर लंबा एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जिसके अंतर्गत दोहाई और मोदीपुरम दो डिपो को मिलाकर 14 स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर दिल्ली में प्रस्तावित 3 RRTS कॉरिडोर में से एक है, जिसको NCRTC की देखरेख में बनाया जा रहा है। RRTS के 82.15 किलोमीटर के रूट में से 68.03 किलोमीटर का पैच एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर का पैच अंडरग्राउंड होगा, जिस पर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। दोस्तों, अब जानते हैं दिल्ली मेरठ RRTS के कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में। आपको बताते चलें कि बीते 2 महीने में RRTS कॉरिडोर पर 2 टनल का कार्य पूर्ण होने के साथ ही एलिवेटेड सेक्शन के निर्माण में भी काफी तेजी देखने को मिली है। मेरठ साउथ सेक्शन से लेकर मोदीपुरम स्टेशन तक कुल 650 पिलर बनाए जाने थे, जिसमें से 400 पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी के पिलर्स को भी तेजी से आकार दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरठ शहर में 25 किलोमीटर के RRTS कॉरिडोर में से 19.5 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड और लगभग 5.5 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड है, जिसमें से टोटल एलिवेटेड सेक्शन में से 4 किलोमीटर के वायडक्ट का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी के एलिवेटेड सेक्शन को 3 फेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहले फेज परतापुर से शताब्दी नगर स्टेशन के बीच में लगभग 3 किलोमीटर के वायडक्ट का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं दूसरे फेज शताब्दी नगर से ब्रह्मपुरी के बीच में लगभग 2 किलोमीटर के वायडक्ट पर भी कार्य किया जा रहा है और तीसरे फेज MES कॉलोनी से रोशनपुर डोली स्टेशन के बीच इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसका उपयोग लगभग 3 किलोमीटर लंबे वायडक्ट के निर्माण के लिए किया जाएगा। अगर बात करें स्टेशनों की तो कॉरिडोर के एलिवेटेड स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। मेरठ साउथ, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर और ब्रह्मपुरी स्टेशन का निर्माण कार्य प्लेटफॉर्म लेवल तक पहुंच चुका है। ये सभी एलिवेटेड स्टेशन पूरी तरह आकार ले चुके हैं, जबकि रोशनपुर डोरली में वर्तमान में कॉन्कोर्स लेवल का निर्माण किया जा रहा है और बाकी के एलिवेटेड स्टेशन MES कॉलोनी मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम में फिलहाल पिलर्स निर्माण का कार्य जारी है। दोस्तों, अब जानते हैं दिल्ली मेरठ RRTS की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि RRTS की 4 नई ट्रेनें गाजियाबाद के दोहाई डिपो पहुंच चुकी हैं। फिलहाल इन ट्रेनों पर कई तरह की स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग की जा रही है और NCRTC का कहना है कि दिसंबर लास्ट तक साहिमाबाद से दोहाई के बीच करीब 17 किलोमीटर के रूट पर इसका ट्रायल रन शुरू कर दिया जाएगा और मार्च 2023 तक इस 17 किलोमीटर के रूट को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जबकि दिल्ली से मेरठ तक के पूरे रूट को 2025 तक ओपन करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, अगर आप RRTS के 2 और कॉरिडोर में से किसी का भी सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में उस कॉरिडोर का नाम लिखकर भेजें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।